विनायक जी की कथा। एक विनायक महाराज थे, चुटकी में चावल, कुलिया में दूध लिए फिर रहे थे। कोई मेरी खीर बना दे, कोई न बनावे। जरा से दूध चावल की कैसे खीर बने। एक बुढ़िया थी, बोली, ला बेटा मैं बना दूं। बुढ़िया बाहर जाने लगी तो बोले, कहाँ जा रही है। बेटा बर्तन मांग के लाऊं। बोले, देख तेरे घर में अंदर देख, दूध का टोकना भरा है, चावल की परात भरी है, चूल्हा जला के खीर बनाई। खीर निकलने लगी, बहू ने कटोरा भर के किवाड़ के पीछे विनायक बाबा का चींटा लगा के खा ली। जब सारी खीर बन गई तो बुढ़िया बोली कि आ बेटा जीम ले, मैंने तो खा ली। कब खाई, जब तेरी बहू ने खाई। बुढ़िया बोली, बहू तैने खीर झूठी कर ली। हाँ जी, खीर निकल रही थी, मैंने कटोरा भर के विनायक का छींटा लगा के खा ली। विनायक से बुढ़िया बोली, अब क्या करूं। गणेश जी बोला, खा बांट। बुढ़िया खीर बांटने लगी तो दुनिया निर्चा चर्चा करने लगी कि कल तो बुढ़िया भूखी मरती थी और आज खीर बांट रही है। झोपड़ी को लात मारी, महल बन गया, खूब धन हो गया। जैसे विनायक बाबा बुढ़िया ने टूटा, वैसा सबने टूटे, कहते सुनते हुंकारा भरते का। हे भगवान, कहानी कहने सुनने हुंकारा भरने वाले को सुख समृद्धि धन दान्य देना।